जो लड़कियां कम कपड़े पहनती है उनके लिए एक पिता की ओर से समर्पित एक लड़की को उसके पिता ने आईफोन गिफ्ट किया। दूसरे दिन पिता ने लड़की से पूछा, बेटी आईफोन मिलने के बाद सबसे पहले तुमने क्या किया? तो लड़की बोली, मैंने स्क्रैच गार्ड और कवर का ऑर्डर दिया। तब पिता ने कहा कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसी ने कहा क्या? तो लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा। तब पिता बोले कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने स्क्रैच गार्ड और कवर का ऑर्डर देकर आईफोन के निर्माता की बेइज्जती की हो? तब बेटी ने कहा, नहीं, बल्कि निर्माता ने स्वयं कवर और स्क्रैच गार्ड लगाने की सलाह दी है। तब पिता बोले, ओह अच्छा ठीक है, तब तो आईफोन दिखने में खराब दिखता होगा, तभी तुमने उसके लिए कवर मंगवाया है। तब लड़की थोड़ा गुस्से होके बोली, नहीं, बल्कि वो खराब ना हो इसलिए कवर मंगवाया है। तब पिता ने कहा, कवर लगाने से उसकी सुंदरता में कोई कमी आएगी क्या? तब बेटी ने कहा, नहीं, इसके विपरीत, कवर लगाने के बाद आईफोन और भी ज्यादा सुंदर दिखेगा। तब पिता ने बेटी की ओर स्नेह से देखते हुए कहा कि बेटी, आईफोन से भी ज्यादा सुंदर और कीमती तुम्हारा शरीर है और इस घर की और हमारी इज्जत हो तुम। शरीर के अंगों को कपड़ों से कवर करने पर उसकी सुंदरता और भी निखरेगी। तब बेटी का सिर झुक गया और बेटी के पास पिता की इस बात का कोई जवाब नहीं था, सिर्फ उसकी आंखों में आंसू थे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से सभी लड़कियों से निवेदन है कि भारतीय संस्कृति, संस्कार और अस्मिता को बनाए रखे। दोस्तों, इस पोस्ट पर गाली देने भी आएंगे कुछ लोग, और कुछ लोग इसे अच्छा भी ठहराएंगे। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। भाइयों और बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पता कोई एक ही समझ जाए आपके एक शेयर से, क्या पता वो शख्स हमारे ही परिवार से हो। और आप सभी का धन्यवाद मुझे शांति से सुनने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय श्री राम।